मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद जिला कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान के तहत तिरंगा लेकर 75 किलोमीटर पैदल यात्रा करके लोगों के बीच केंद्र सरकार की विफलता को बताने का काम करेगी। जिलाध्यक्ष ब्रिजेश सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दा उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी और माननीय जतिन अंसारी जी और शंकर जी, प्रभाकर मोनिया जी एवं सभी को मैं इसीलिए सम्मानित करके मैं संबोधन करना चाहता हूँ। अगर किसी का नाम संबोधन में चुका साथियों, इस कार्यक्रम नहीं मिलती राही को कि दिल में जुनून का जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िए से कि कैसे बनता है घोंसला, चिड़िया बोली कि दिन का तिनका उठाना पड़ता है। खबर हो चाहे भारत के नाम की केंद्र सरकार, ये सबको हम लोग को कोई नुकसान पहुंचाने के काम करे, यही कांग्रेस की विचारधारा को हम लोग गांव से लेकर शहर तक जोड़ने का काम करें। कांग्रेस की हर विचारधारा को हर भारत की 130 करोड़ जनता तक कांग्रेस की कार्यकर्ता चलने के लिए तैयार है। आज हम करने का काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में ईडी का धमकी देके झारखंड सरकार को गिराने का काम करने की कोशिश की, लेकिन किस पर कार्रवाई करनी थी कार्रवाई हो गई। सारे सभी बातों को निचोड़ के जो भी ये नौ संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया है और ये एक दिवसीय कार्यशाला रखा गया है धनबाद जिला कांग्रेस समिति की ओर से। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीनों में उदयपुर में कांग्रेस का हमारे सभी श्रेष्ठ नेताओं के द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ निर्णय हुआ है और उस निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो भी वहाँ से निर्देश दिया गया है, चाहे वो हर जिला में 75 किलोमीटर का पद यात्रा करना हो, कांग्रेस का अभियान है भारत जोड़ो और हम तो देश को तोड़ने वाले के मनसूबे पर हम पानी फेरेंगे और हम लोग 9 अगस्त से भारत जोड़ो के कार्यक्रम में निकलेंगे और उसके बाद हम लोग आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हम लोग धूमधाम से 15 अगस्त को भी मनाएंगे और उस अवसर पर और भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को या यूं कहिए कि मोदी जी के पास 3 तोता है, सरकारी तोता है। और सरकारी तोता कौन कौन है? ईडी, इनकम टैक्स और CBI। और जो भी विरोध में आप कोई भी विपक्षी पार्टियां अगर कुछ बोलने की जरूरत करती है तो उसके विरोध में मोदी सरकार एक नए तोता को छोड़ देता है। और उसी लिए हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी जी के विरोध में ईडी का नोटिस दिलवा दिया है, इसलिए वो केंद्र सरकार की हमेशा आलोचना करते रहते हैं। तो कल 13 तारीख को उनको हाजिर होना है दिल्ली के ईडी ऑफिस में, लेकिन उसके विरोध स्वरूप पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसी जिस राज्य में जहाँ जहाँ ईडी कार्यालय है हम लोग इकट्ठे होंगे और हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। वहाँ बिल्कुल शांति तरीके से हम लोग जाएंगे और गांधीवादी तरीके से हम लोग उसमें हिस्सा लेंगे। ये 75 किलोमीटर थी तो पैदल चल, ये 9 अगस्त से शुरू होगा और 9 अगस्त से ये जितना दिन लगेगा 3 दिन 4 दिन में हम लोग 75 किलोमीटर तय कर लेंगे। और उसका मकसद एक ही है, केवल पैदल नहीं चलना है, भारत जोड़ो, भारत को जोड़ने का हम लोग जनता को बताना चाहते हैं। हम लोग तिरंगा लेकर चलेंगे कि भारत को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी नहीं टूटने देगी। इसलिए कि हमने आज HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।